हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गॉड प्रोवाइडेड व्लॉग्स में। तो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ गुड़गांव, ठीक है? एक काम है, काम आपको पता चल जाएगा व्लॉग्स में। व्लॉग में देखते रहना, पता चल जाएगा आपको किस काम के लिए जा रहा हूँ। तो अभी हमारे साथ एक भैया जा रहे हैं, रविंदर भैया, उनके पास जा रहा हूँ मैं, उनको साथ लेके जाना है। और को देखो, ये मुझे परेशान कर रही है, ठीक है? तो उनके साथ जा रहा हूँ, अभी बस जस्ट ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ मैं। सो के उठ गया था मैं 10 बजे, आज जल्दी उठ गया था वैसे, ठीक है? और सनी आ गया था, तो सनी अभी स्ट्रीम कर रहा है, अभी आज ही आया गांव से, वो स्ट्रीम कर रहा है अभी। तो चलते फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। आरू, आपको छोड़ के जा रहा हूँ मैं, आप भी चलोगे? देखो वो ना सारी बातें समझती है, मतलब जो भी इसे बोलोगे ना समझते हैं। सो गाइस, गाड़ी हो गई है रेडी अपनी और भैया अभी चला रहे हैं। अरे देखो, छोड़ी आए हैं हम लोग, क्योंकि वो तो भाई आप जानते हो, जब भी जाते तभी बाहर आ जाती है। सो गाइस, भैया आ गए हमारे साथ, भैया वो सब। तो भैया आ गए और अब सीधा जा रहे हैं गुड़गांव भाई, मतलब मैं पहली बार जा रहा हूँ भैया, मैं पहली बार जा रहा हूँ गुड़गांव, फॉर द फर्स्ट टाइम। यस, यहाँ पे ना पेट्रोल के लिए लड़ाई हो रही है। अच्छा, हम लोग अभी देख रहे थे कि गाड़ी में ना एक्चुअली पेट्रोल भराना था, तो वो सोच रहे हैं कि भाई पेट्रोल सस्ता कहाँ पर है, हरियाणा में, क्योंकि गुड़गांव जा रहे तो गुड़गांव हरियाणा में पड़ता है, या फिर दिल्ली है? दिल्ली से सस्ता है हरियाणा, लेकिन हरियाणा तो नहीं पहुंच पाएगी ना। हरियाणा कितने किलोमीटर होगा? और 65 किलोमीटर पहुंच जाएगी, अभी लुक भी नहीं कर रही है, पहुंच जाएगी 65 किलोमीटर तो जाना है। जब रास्ते में पड़ रहा है, नेसेसरी में कहीं जाना नहीं है, हाँ। तो जहाँ सस्ता वहाँ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये तो है ही, हरियाणा हरियाणा में ही चलते हैं, उधर ही कर रहा था। सो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे, और देखो उधर गाड़ी हमने पार्क कर दिया, ठीक है? भैया है साथ में और तुम्हारा भाई भी। सो गाइस, अभी हम लोग निकल गए और 3 बज रहे हैं, ठीक है? तो घर से निकल चुके हैं, 3:20 3:20 हो रहे हैं, हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, भैया गाड़ी चला रहे हैं, और जहाँ मिलने आया था वहाँ पे सब मिल लिया है। गाइस, लोकेशन वगैरह मैंने आपको नहीं दिखाई है, क्योंकि उनकी थोड़ी प्राइवेसी है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और बाकी अभी हम यहाँ से निकल रहे, सीधा घर पहुँचते हैं, घर मिलेंगे आपको सीधा। चलेगी तो देखो, वैसे भी नहीं, आपको सर कहीं चोट तो नहीं है ना? देख लो एक बार, चोट नहीं है। ये हुआ कैसे सर? ये खुद ही नहीं समझ आ रहा है उसका, उसका कुछ टूट गया है पहले, तभी चढ़ी होगी वो उस पे। पहले कुछ शोका टूटने से उनका बैलेंस इंबैलेंस हुआ, कब पलटी है? हां वही, मैं पहले टूटा होगा कुछ, पहले शोका टूटने से आवाज आई। अच्छा, गाड़ी ये टूट गया है इसका ना, ये अच्छा हुआ लगी नहीं है उनको कहीं भी चोट। भाई क्रेटा गाड़ी है भाई। मंगल जी, आपको कहीं अभी की है? देखो ये, देखो यहाँ से चढ़ी है भैया, यहाँ से चढ़ के सीधा उधर लग के उधर पलटी है। सो गाइस, हमने उन्हें ना पूछ लिया था, वैसे कुछ चोट वोट नहीं लगी है उनको जो चला रहे थे गाड़ी, तो भी उनको बोल दिया है भाई अपना, उनके फैमिली मेम्बर्स में भी आ रहे हैं, ठीक है? बहुत तेज भाई, पता नहीं कैसे हो गया, कुछ समझ में तो हमें भी नहीं आया। चल रहे गए फिर घर पर, अभी आ गई है पुलिस, पुलिस भी आ गई है वहाँ पे, ठीक है? पुलिस भी आ गई है वहाँ पे, तो फिर संभाल लेंगे वो लोग। ठीक है, ये ब्लॉग बना हमने इसलिए भी सोचा इसमें दिखा दें, बेसिकली रास्ते में आपको कभी भी कोई ऐसा एक्सीडेंट होते दिखता है, बिल्कुल बिल्कुल, उसे इग्नोर मत करें, बिल्कुल, क्या पता आप उनके कुछ काम आ सकते हैं, हेल्प करें। और जो ऐसा पहले होता था कि पुलिस आपको तंग करेगी, डिस्टर्ब करेगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा तो अब कुछ नहीं होता है ऐसा। क्रेटा गाड़ी भैया, वो तो भाई अच्छा हुआ, बिल्कुल भी सीट बेल्ट लगा लेते, क्योंकि हाँ वो बता रहे थे कि उन्होंने सीट बेल्ट वगैरह लगाई हुई थी, ठीक है? तो इसीलिए सब कहते हैं कि जितना ट्रैफिक रूल्स का फॉलो कर सकते हैं। मैं तो एकदम देखते, मतलब हम इस साइड से आ रहे थे, उस साइड से हमारे सामने गई, हम इस साइड से जा रहे हैं ना, और वो उस साइड से एकदम से दिखा पलटते हुए गाड़ी, एकदम उड़ती हुई गाड़ी आई है भैया, गाड़ी एकदम से धुड़ धुड़ आवाज आई एकदम से। मैं कह रहा भैया रोको, साइड में क्या हो गया ये। चलो गाइस, होपफुली सब ठीक है यार, थैंक गॉड सब ठीक ठाक है।
अंकल जी जो थे वो भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है चलो घर पहुंचते यार। ओ भाई सो गाइस अभी हम लोग घर आ गए और देखो ये कहाँ घूम रहा है देख रहे हो भैया घूमने उसका टाइम है अभी। भाई मेरे को देखा ही नहीं उसने इग्नोर भाई देख रहे हो इतना इग्नोर कर रहा है मेरे को देखा ही नहीं उसने ऐसे निकल गया। नाना नमस्ते अमराम जी। अरे नाना बाल काले करा लिए तुमने आज तो है? बाल काले करा लिए हाँ कल कलर कराया कल कलर कराया अपने आप ही कर लिया अपने आप ही कर लिया हाँ ज्यादा छोटे हो गए बढ़िया लग रहे कल बालक सभी कह रहे हैं कि बहुत छोटे करा लिए बाल। चलो बैठो मैं भी घर ही जा रहा हूँ। हाँ चल मैं भी चल रहा हूँ चलो गाइस अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं और हम लोग अभी घर पे आ चुके हैं। ठीक है और यहाँ पे भाई सब लोग पूरा सोता मच रहा है सो रहे बस आपकी भाभी जग रही है। और संध्या जी क्या हाल है आपके इंस्टाग्राम चेकिंग चेकिंग इंस्टाग्राम मुझसे छुपा रही है यस 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 अरे हो जाएंगे 10K फॉलोवर हो जाएंगे यार चिंता मत कर यार हो जाएंगे पक्का। और हमारा बेबी ठीक है छोटा वाला छोटा बेबी ठीक है ठीक है। वाह यार तेरी शक्ल तो बढ़िया लग रही है ऐसे रहकर अब बढ़िया लग रही है आउच रियल जूस गाइस रियल जूस मिक्स वाला तेरे लिए लाया था मैं लेके आया हूँ तेरे लिए। आई डोंट लाइक यू डोंट लाइक इट यू लाइक फ्रूटी कोई बात नहीं गाइस फ्रूटी भी ले आएंगे क्या दिक्कत है फ्रूटी की कोई टेंशन थोड़ी है। अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ जो मैं वहाँ से लेके आया हूँ। गुड़गांव किस लिए गया था आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई गुड़गांव वहाँ पे मैंने आपको नहीं दिखाया मैं गुड़गांव गया था कुछ सामान लेने जो मेरा सामान मेरे को नहीं मिल पा रहा था वो वहाँ पे आके अटक गया था लॉकडाउन की वजह से तो उसे फिर मैं ही लेने चला गया वो है ये। तो ये फेसबुक गेमिंग ने अपने को भिजवाए हैं गाइस ये देखो ठीक है एक ये फेसबुक गेमिंग बहुत हार्ड और ये कुछ ये है स्टिकर्स ये बैच और एक ये क्या है ये तो पेन है यस गाइस और एक ये और सनी के इस पे लगा दिया मैंने ड्रॉप और एक ये है ये बन जिगल के लिए ये जिगल की प्रैक्टिस करने के लिए दे जिगल ये देखो इससे ना प्रैक्टिस करने के लिए देखो जिगल करने के लिए ऐसे ऐसे करते रहो दे जिगल। अरे पबजी मोबाइल के भी अपने पास बहुत हार्ड है चिकन विनर चिकन डिनर। सो भाई अपना ये थोड़ा रह गया था तो मैं इसको लेने गया था तो अभी लेके आ चुका हूँ हम। हाँ क्या हुआ ओ मम्मी देखो छोरी को अपनी क्या हुआ पता है वहाँ बैठ के कह रही है मेरे को लो कैमरे में हाँ और रो रही है देखियो अभी मैं उसको लूंगा नहीं रोएगी। हाँ तो गाइस ये सामान है चलो ठीक है तो हाँ आपको दिखाऊं जी ये देखो क्या कर रहे हो भाई खुद कह रही है कि मेरे को दिखाओ कैमरे में नहीं दिखा रहा मैं तुम्हें आरू मैं नहीं दिखा रहा। चलो गाइस यार मैं स्ट्रीम कर लेता हूँ ठीक है फेसबुक पे शेड्यूल कर रहा हूँ स्ट्रीम करते हैं फिर थोड़ी देर फेसबुक पे। सो गाइस अभी भी हमने स्ट्रीम एंड करी है और अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं गाइस करेक्ट स्ट्रीम बंद करिए। और आज आरू तो अलग ही स्वैग है आलू का बाबू कर क्या रहे हो अरे देखना देखो दूध पीने का स्टाइल देखो इसका ऐसे दूध जाएगा क्या कर रही है पाइप लगा भाई इसको ना पता रहता है ये कैमरे पे व्लॉग बन रहा है ना तो ये ज्यादा वो बनती है अपने आपको एक्टिंग में आ जाती है ज्यादा ही लेट जाओ। सो गाइस अभी इसको दूध पिला देते हैं। ओ भाई इसकी आंखें आरू तेरी आंखें आरू ला मेरे को दे दे दूध दे 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 ओ भाई कितनी जान लगा अब जान लग रही दे दे मेरे को दे दे मैं लूंगा दूध मेरे को चाहिए अरे मेरे को चाहिए आरू दे दे यार दे दे नहीं मना कर रही है। अच्छा आरू मम्मा को दूंगा मम्मा पियेंगे मम्मा को दे दो संजय तू मांगियो तेरे को दे देगी और नहीं दे तेरे को भी और दे दिया ना मेरे को दे दे
अरे अरे भाई साहब, मतलब डैडी से इतनी नफरत, मम्मा को इतना प्यार, उसको पता है ना। आरू आरू बाबू को पिला दो, बाबू को पिला दो। बाबू कहाँ है बाबू? ओ मार मारते नहीं है बाबू को, पुच्छी करते हैं। आई शाबाश शाबाश। सो गाइस यार 11 बज चुके हैं और भाई मेरे को भी अब भूख लगी है बहुत। जैसे थोड़ा मेल्स वगैरह का रिप्लाई कर रहा था, ठीक है, कुछ मेल्स वगैरह आए हुए थे स्ट्रीम बंद करने बाद, 10 बजे स्ट्रीम बंद कर दी थी। तो भी यार मैं खाना खा लेता हूँ फटाफट। तो तूने खा लिया है आज भी अकेले अकेले खा लिया? कभी कर दिया। 11:30 बज चुके हैं, 11:30 कहाँ बज रहे हैं यार, 11:20 तो हो रही है अभी। मैं डर ही गया यार, अभी व्लॉग भी एडिट करना है और बहुत टाइम से बंदे भाई चैट में बस एक ही बात बोलते हैं, भैया व्लॉग कब आएगा, व्लॉग कब आएगा। एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है गाइज, मैं क्या बताऊँ आप लोग को। तो चलो मैं फिर भी आज एक एडिट करके आज मैं अपलोड कर दूंगा। जल्दी से खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद मैं बैठ के चुपचाप अकेले कमरे में एडिट करूंगा। मेरे को एक रूम बनाना पड़ेगा जहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना करे और मैं आराम से अपना व्लॉग वगैरह एडिट कर लिया करूँ भाई। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा बस, अगर ये काम हो जाए ना सुबह जल्दी उठ जाऊँ तो सारा काम ठीक हो जाएगा, व्लॉग भी बन जाएगा, स्ट्रीम भी हो जाएगी और क्या हो जाएगा, ब्लॉग एडिट भी हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉग बनाना मुश्किल नहीं है, ब्लॉग को एडिट करना मुश्किल है। सुबह आज बनी है भिंडी की सब्जी और चाय विद खीरा सलाद, बहुत ही बढ़िया, हमें भिंडी बहुत पसंद है। तो यार फटाफट से इसे खाता हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और जल्दी से फिर ब्लॉग को एडिट करेंगे और उसके मैं खाने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ, ठीक है। चलो जल्दी से खत्म करते हैं इस खाने को। खा ले, खाना है? नहीं मैंने खा लिया। खा लिया, भूख नहीं लग रही? खाना देख के इतनी बढ़िया है, ऑलरेडी आपसे पहले खा चुकी हूं। खा लिया? अच्छा बढ़िया, ओके। भूख तो नहीं लग रही? पिज्जा वगैरह कुछ खाना तो नहीं है? पिज्जा और कुछ भी नहीं? पिज्जा के लिए मना कर दिया यार पहली बार, अब तो रोज पूछा करूंगा पिज्जा के लिए, इसी टाइम जब नहीं आ सकता ना तभी पूछा करूंगा, ठीक है। कोई नहीं, 10 फ्लोर हो गए, मुझे ये बताओ मानी मिल्स होता क्या है? मम्मा बोल रहे हो, बुआ बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? कौन सी हुआ जी? क्या बाबा जी? बाबा जी या बाबू जी? जी जी जी, ये क्या होता है, शर्मा रही है। सो गाइस सब लोग तो गए हैं हमारे घर में सो, क्योंकि टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है 12:30 बज रहे हैं। बाबू रुक जा, आरू रुक जा, इधर 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 बैठो, आपको सोना नहीं है? 12:30 बज रहे हैं और ये लड़की अभी तक सोई नहीं है, यार इसको सुला दे यार, ठीक है। तो ये अभी तक सोई नहीं है और मैंने भी ब्लॉग एडिट नहीं करा है, तो मैं ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आप लोग को मजा आया होगा, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, फिर मिलेंगे कल एक और ब्लॉग में। नहीं, बाय बाय, आरू बाय बाय कर दो सबको, बाय बाय कर दो।